हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, फिर से एक स्टडी ब्लॉग के साथ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ देहरादून की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि है ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, और गाइस सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ कन्फ्यूज रहते हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे पास ऐसे आए थे कमेंट पे, तो मैं आज उनके कमेंट सॉल्व करते हुए गाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राफिक एरा की अपनी दो यूनिवर्सिटी है गाइज, है ना, देहरादून में, और तीसरा ग्राफिक एरा हॉस्पिटल भी है। तो ग्राफिक एरा बहुत सी ब्रांच हैं, वैसे तीन मेन ब्रांच हैं। तो दो यूनिवर्सिटी हैं, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि ग्राफिक एरा की सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी। सेकेंड जो है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी। अब बच्चे पूछते हैं सर क्या डिफरेंट है, एंड प्लेसमेंट कैसा है, फैकल्टी कैसी है, और सबको पता है उसकी फ़ीस ज़्यादा हाई रहती है ना, और किस कोर्स के लिए बेस्ट है। तो आज हम जानेंगे गाइस ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि देहरादून में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और टॉप रैंक्ड की यूनिवर्सिटी है देहरादून की गाइस, सबसे फेमस भी है, जानी मानी यूनिवर्सिटी है। तो ग्राफिक एरा के देखिए दो अपने उनके ब्रांच है ना, एक ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और दूसरा है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी। मैं आपको डिफरेंट भी बताऊंगा गाइस, डिफरेंट मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं अपने MBA के एडमिशन के लिए सबसे पहले ग्राफिक एरा में गया था, तो वहाँ पे मैंने स्टूडेंट से फीडबैक लिया था हर चीज़ के लिए, ना, स्टडी, फैकल्टी, देन और क्या डिफरेंट है डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपका, क्या डिफरेंट है आपका हिल में, तो वो मुझे अभी तक रिमाइंड है, याद है। वैसे वैसे तो 2 साल हो चुके हैं, बट मैं आपको वही कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि आप हिल में जाते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, डीम्ड में जाते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आपके ग्राफिक एरा, ठीक है, डीम्ड में पहले पहुंचते हैं, डीम्ड, और एक है आपके ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये जो है दोनों बेसिकली देहरादून में ही हैं और आसपास ही है गाइस, थोड़ा सा डिफरेंट है 1 किलोमीटर का, दोनों देहरादून में है अपने, ठीक है, UK एंड UK। अब देखिए ग्राफिक एरा की जो लोकेशन है गाइस वो है आपकी क्लेमेंट टाउन नियर ISBT, ठीक है, क्लेमेंट टाउन नियर ISBT देहरादून। जब भी आप आते हैं तो आप जैसे ही देहरादून में ISBT पे उतरेंगे वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा जो कि आपको क्लेमेंट टाउन ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी पहुँचा देगा गाइस, है ना। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट का वो यही है कि सर डीम्ड में और हिल में डिफरेंस क्या है ना, क्योंकि वो जो कोर्स जो डीम्ड के पास हैं वो आपके हिल के पास भी हैं, ठीक है। और देखिए हिल का भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने देखा हुआ है, डीम्ड का भी देखा हुआ है, और एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो डाली थी जो कि मैं विजिट करने गया था ग्राफिक एरा, तब की वीडियो है। तो आज हम थोड़ा डिफरेंट जान लेते हैं ना, डीम्ड में और हिल में दोनों ग्राफिक एरा के डिफरेंट क्या है। देखिए सिंपल गाइस, जो आपकी ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है ना, तो हम ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के देख लेते हैं पहले। चलिए दो पार्टीशन कर लेते हैं, सिंपल है ना, सिंपल दो पार्टीशन कर लेते हैं। अब देखिए ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी गाइस डीम्ड इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट UGC से आपके अप्रूव्ड है। जो आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है, वो आपको UGC से मिलेगी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो आपकी हो गई यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी HNBGU श्रीनगर उत्तराखंड UK। अब आपकी ये देखिए जो ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है डायरेक्ट आपकी UGC से अप्रूव्ड है, जी हाँ, UGC एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों से। फ़ायदा क्या होता है, जो आपको डिग्री मिलेगी ना लास्ट टाइम पे गाइस वो आपको या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मिलेगी या डायरेक्ट UGC अप्रूव्ड की मिलेगी, है ना, जिसमें जो कोर्स जा रहा है, ठीक है। तो अब कौन से कोर्स करना आपको इससे बेस्ट रहेंगे, देखिए ग्राफिक एरा का अगर प्लेसमेंट होता है तो आपका डीम्ड में ही होता है, आप हिल में पढ़ रहे हैं फिर भी आपको डीम्ड में प्लेसमेंट के लिए जाना है, कंपनियां डीम्ड में ही आती हैं, हिल वाले बच्चे भी डीम्ड में पहुंचते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट के लिए। बेस्ट किस लिए है ग्राफिक एरा, दोनों में बता दे रहा हूँ। देखिए ग्राफिक एरा डीम्ड सबसे ज़्यादा जाना जाता है आपके BTech,
बीटेक में आपका चाहे सीएसई हो गया, चाहे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, तो मोस्टली ये जो है बीटेक के लिए जाना जाता है सबसे अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आपके ग्राफिक एरिया ही आती है, ठीक है। और सेकंड देखिए मैनेजमेंट के कोर्स हो गए आपके, मैनेजमेंट में एमबीए बीबीए के लिए बहुत अच्छा है। देखिए प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसका जो प्लेसमेंट है ग्राफिक एरिया का, देखिए मैंने देखा था जब मैं लास्ट टाइम गया था, तो मैं आपको बता दूं 60 लाख पर एनुअल भी गया था एक बच्चे का, किसी का 40 भी था और 20 के तो बहुत सारे थे, क्योंकि मोस्टली प्लेसमेंट डीम्ड में होते हैं। डिग्री मिलेगी यूजीसी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, बहुत देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू बहुत हमारे इंडिया में ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू स्टेट यूनिवर्सिटी। और फिर यूजीसी के तो आप सब जानते हैं ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, हमारे इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैं सारे यूजीसी के रूल फॉलो करते हैं, तो यूजीसी अप्रूव डिग्री मिलती है तो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल वैलिड होती है, नेशनल तो हमारे है ही है। तो ग्राफिक एरिया में जो है यहीं पर प्लेसमेंट होते हैं आपके, मैनेजमेंट एंड आप इंजीनियरिंग के लिए कह लीजिए बहुत बेस्ट रहने वाला है, ठीक है गाइस। कॉमर्स हो गया आपका, ठीक है, आपके बीएससी आईटी हो गया, बीसीए हो गया आपका, जो आईटी के कोर्स हैं ना, और आपका ये एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, बीटेक के जितनी भी ब्रांच हैं वो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, अब डीम्ड में देखिए एक खासियत क्या है, देखिए जो डीम्ड है गाइस उसकी जो फैकल्टी है बिल्कुल 10+ एक्सपीरियंस मिलेगी आपको, है ना, 10+ एक्सपीरियंस रहता है उनको। सेकंड पीएचडी मोस्टली आपको, मतलब जो फैकल्टी पीएचडी करी हुई मिलेगी, मोस्टली फैकल्टी पीएचडी है जो डीम्ड में पढ़ाती है गाइस, है ना, फैकल्टी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग आते हैं आपका लेक्चर लिया देन फिनिश, ठीक है। कितना आपको समझ आता है डजेंट मैटर, फैकल्टी के लिए वहाँ की जो फैकल्टी है थोड़ा एटीट्यूड लेवल बहुत हाई है, अच्छा है कह सकते हैं ना, जो होना चाहिए आपको एक्सपीरियंस के बाद, आप एक अच्छी लेवल पे आपको नॉलेज अच्छी है तो थोड़ा एटीट्यूड से इंसान में आने लगता है। सो सेम लाइक आप ग्राफिक वगैरह डीम्ड में है ना। अब देखिए बच्चे जो हिल में एडमिशन लेते हैं क्या डिफरेंट लेता है, हिल आपकी जो है वो है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी से, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी से आपकी है। अब स्टेट यूनिवर्सिटी से आपकी यूटीयू हो गई, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, श्री देव सुमन हो गई, है ना, SDS हो गई, श्री देव सुमन आपकी यूटी हो गई, तो इन दो से ही कनेक्ट रहती है हिल। हिल आपके और ना तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कनेक्ट है ना UGC से, तो जो बच्चे हिल में स्टडी करते हैं उनको स्टेट यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है भाई, ठीक है। सेकंड क्या है, जो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है वो प्लेसमेंट के लिए यहीं आएगा, ठीक है, याद रखना गाइस प्लेसमेंट आपका यहीं होता है, प्लेसमेंट डीम्ड में ही होगा। फैकल्टी यहाँ की फैकल्टी भी लेक्चर लेने जाती है, ठीक है, और इनकी इसमें अपनी फैकल्टी भी है, एक्सपीरियंस सेम है 10+, ठीक है, और आपके कह सकते हैं पीएचडी इसमें भी करी हुई है फैकल्टी, नॉलेज काफ़ी है फैकल्टी को यहाँ की भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हिल्स में देखिए एक नॉर्मल बेसिक डिफरेंस आप बस इतना समझ लीजिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टूडेंट्स, ये आपकी UGC अप्रूव्ड है और सीधा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कनेक्ट है, HNBGU, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड, उससे कनेक्ट है। डिग्री मिलेगी UGC या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जो कि सबसे ज़्यादा वैलिड होती है ना। अब दूसरा यहाँ पे हिल्स में क्या है, हिल्स स्टेट यूनिवर्सिटी से कनेक्ट है आपके UTU से, श्री देव सुमन से, आपको डिग्री यहाँ से मिलेगी। अब कोई गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जो जिसमें सेंट्रल की डिग्री मांगते हैं ना कि आपकी स्टेट की डिग्री, तो बच्चे सबसे ज़्यादा डीम्ड में जाना चाहते हैं क्योंकि UGC की डिग्री हर जगह चलती है ना, स्टेट की डिग्री कहीं कहीं जगह नहीं भी मान्य होती है और ये रियलिटी है, तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बच्चे, और डीम्ड का फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है गाइस अकॉर्डिंग टू हिल। हिल की फीस बहुत कम है, डीम्ड की ज़्यादा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ का, इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिल्डिंग का सबसे ज़्यादा यूनिक है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, हिल का इतना खास नहीं है, उसका भी अच्छा, फैकल्टी यहाँ पे इतनी बेस्ट नहीं है जितनी कि आपकी डीम्ड में है। तो मोस्टली बच्चा सबसे पहले ट्राई करता है कि कोई से कोर्स में जाए वो डीम्ड में जाए। सेकेंड देखिए इसमें क्या है, जब आपके सारे एडमिशन फुल हो जाते हैं उसके बाद इसमें सीट बिकती हैं, वो भी MBA की सीट बिकती है, BTech की सीट बिकती हैं और लाखों में सीट बिकती हैं गाइस, है ना। अगर आपकी फ़ीस 1 लाख है तो वो आपको सीट मिलेगी 2 लाख में, 2.5 लाख में, और ये रियल टेट्स मार्केट, क्योंकि बच्चा डीम्ड में ही सबसे ज़्यादा जाना चाहता है, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए,
यूजीसी अप्रूव्ड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, या डायरेक्ट यूजीसी अप्रूव्ड जाइए। कौन सा कोर्स किस में लगता है ये डिपेंड करता है इसमें, तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में एडमिशन लेते हैं। हेल्थ वाला बच्चा भी प्लेसमेंट के लिए इसी में बैठता है। हेल्थ वाले बच्चे के जितने भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के कोर्स होते हैं सब डीम्ड में आना पड़ता है उसको। तो सबसे बेस्ट तो भाई डीम्ड ही है, डीम्ड में एडमिशन मिलता है, आप लीजिए, आप स्टडी करिए। ग्राफ वगैरह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और देहरादून के टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टॉप 5 में आती है गाइस, है ना। इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर गाइस, फैकल्टी, ओवरऑल मतलब 10 आउट ऑफ 10 समझ लीजिए मार्क्स की हम बात करें तो, ओवरऑल बहुत ही बेस्ट है डीम्ड। हिल इतनी बेस्ट नहीं है, कोर्स बहुत सारे हैं हिल के पास गाइज, आपके फैशन डिजाइन से लेके आपके मास कम्युनिकेशन से लेके आपके जो भी कोर्स होते हैं मोस्टली हैं हिल के पास, ठीक है, लेकिन वो स्टेट यूनिवर्सिटी से जो है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आप डीम्ड में ट्राई करिए, डीम्ड में मिलता है ग्राफिक ग्राम में देन बेस्ट है। अंतर तो मैंने आपको सिंपली बता दिया था गाइस, यही अंतर है कि ये सीधा UGC अप्रूव्ड है और स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। हिल्स अपना स्टेट यूनिवर्सिटी तो बच्चे इसमें ज़्यादा नहीं जाते, बाकी दोनों में ही बच्चे बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं क्योंकि उनको इनको भी पता है कि प्लेसमेंट के लिए हमें यहीं पे जाना है जो इसके बच्चे। लेकिन हाँ एक चीज़ और है गाइस, प्लेसमेंट जो उठता है सबसे ज़्यादा वो डीम्ड वाले बच्चे ही का उठता है, हिल्स वाले बच्चों का बहुत कम जाता है क्योंकि डीम्ड की जो स्टडी होती है बहुत डिफरेंट होती है ना। डिफरेंट आप समझते हैं ना कि एक सिंपल कॉलेज से BTech कर लेना और IIT से BTech करना बहुत डिफरेंट है, सेम लाइक डीम्ड एंड हेल, बस सिंपल डिफरेंस समझ लीजिए आप। तो इस बच्चे का सबसे जल्दी प्लेसमेंट होता है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, इस तरह के प्लेसमेंट होते हैं। कंपनियाँ बहुत बेस्ट आती हैं, MNC आती हैं, टॉप MNC आ गई आपकी और बहुत ही मतलब कंपनियाँ बेस्ट आती हैं। तो डिलॉयट है, कॉन्जिजेंट है आपका MNC में वह ना, मोतीलाल ओसवाल है आपके, पेटीएम है, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे आती हैं। तो डीम्ड में ही प्लेसमेंट होता है, डीम्ड के बच्चे ही सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट लेते हैं, हिल्स के बहुत कम। इनको डिग्री मिल जाती है, बाकी आप कहीं भी ट्राई करिए, गवर्नमेंट में जाना है डजेंट मैटर। सो गाइस ये था सिंपल सा डिफरेंट आपके ग्राफिक एरा डीम्ड में, ग्राफिक एरा हिल में, ठीक है ना गाइस। तो कन्फ्यूज़ मत होती है, आप सबसे पहले ट्राई कीजिए, आपको डीम्ड में एडमिशन मिले बहुत बेस्ट रहेगा, है ना। मैं भी गया था, मुझे डीम्ड में सीट नहीं मिली थी गाइस, तो मैंने डीम्ड में एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। और हिल में डीम्ड में एडमिशन नहीं मिला, हिल में मैंने नहीं लिया, उस हिल की मुझे पता चल गई थी किसी स्टूडेंट से गाइस फैकल्टी के बारे में ना, तो सब तो डीम्ड ही बेस्ट और यही बेस्ट है, इसी में एडमिशन मिलता है तो लीजिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी चेक कर लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है या UGC, डायरेक्ट UGC से मिल रहा है आपको, है ना, डीम्ड में, तो डीम्ड में ट्राई करिए। इसी में एडमिशन, प्लेसमेंट, फैकल्टी, एवरीथिंग इज़ गुड। फीस थोड़ी ज़्यादा है पर टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी है देहरादून की गाइस। इसका अपना हॉस्पिटल भी है जिसमें सारे मेडिकल कोर्सेज आ चुके हैं मोस्टली, है ना, जो कि आपके पड़ती है सैला कोई के साइड विकास नगर रोड पे। तो ये जो पड़ती हैं दोनों यूनिवर्सिटी, ये हैं क्लेमेंट टाउन नियर ISBT, ठीक है, देहरादून। ISBT से सीधा ऑटो क्लेमेंट टाउन आपको उतार देगा यूनिवर्सिटी, बिल्कुल थोड़ा आप मेन रोड से जाएंगे जो सहारनपुर के लिए रोड जाता है, थोड़ा सा अंदर जाके आपकी यूनिवर्सिटी पड़ती है, क्लेमेंट टाउन ज़्यादा दूर नहीं है, ISBT से थोड़ा ही आगे है, तो ठीक है, बुद्धा टेम्पल की साइड आप बोल सकते हैं। तो ये था सिंपल सा, देखिए डिफरेंस इसमें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी UGC डायरेक्ट, HNVGU स्टेट यूनिवर्सिटी, ये था डिफरेंट। सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट डीम्ड के हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट फैकल्टी डीम्ड की है, फीस थोड़ी हाई है लेकिन CTC में लीजिए, इसमें फैकल्टी थोड़ी ठीक है नॉर्मल जो रखते हैं ना होना चाहिए, और स्टेट यूनिवर्सिटी, और जो प्लेसमेंट के बच्चे इसमें जाते हैं लेकिन प्लेसमेंट इनका ज़्यादा होता है, फीस ज़्यादा दे रहे हो भाई, अच्छी फैकल्टी से पढ़ रहा है तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो ठीक है गाइस, ये था सिंपल डिफरेंस, और कोई आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लीजिए ग्राफिक एरा के बारे में, ठीक है, और पूरे जितना होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। सो आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, और कैसा लगा आपको डिफरेंस कमेंट करके ज़रूर बताइए, पूछ लीजिए कोई भी क्वारीज है देहरादून से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ज़रूर हेल्प करूँगा आपके। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।